आज सारी दुनिया में एक महामानव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसका नाम बचपन में मूल शंकर और बाद में महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद का जन्म हुआ टंकारा, गुजरात के पश्चिमी छोर की तरफ राजकोट के पास। लेकिन बचपन से उन्होंने विद्रोही अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि पत्थर की पूजा के खिलाफ शिवलिंग को उन्होंने कहा, यह पत्थर है और इसकी उपासना मैं नहीं करूँगा। सच्चे शिव के लिए ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े 18-19 साल की उम्र में, और जीवन में इतना संघर्ष किया सत्य के लिए कि आगे चल करके उन्होंने सत्य को ही ईश्वर, प्रेम करुणा और न्याय को ही ईश्वर, और उसी के आधार पर उन्होंने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें उन्होंने हर तरीके के अंधविश्वास, चाहे वो हिंदुओं का था, चाहे वो मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी, जैन, बौद्ध, सबके ऊपर उन्होंने एक तरह से चोट करते हुए कहा कि आओ अंधविश्वास से बचें, पाखंड से बचें। उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी 150 साल पहले हरिद्वार के कुंभ मेले में, और ललकारा था सारे पंडों को, पुजारियों को, कि कैसे हो सकता है किसी नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाए, ये बंद करो, ये पाखंड है, अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, वो असली तीर्थ है। गुरुओं के आधार और विद्वानों की सेवा करना ही तीर्थ होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे धर्म की एक परिभाषा बदल करके रख दी और वेदों को आधार बनाया, जिसके ऊपर प्रतिबंध था कि औरतें नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते। तो मानव मात्र के लिए उन्होंने उस ज्ञान की पूरी धारा को प्रवाहित करके और मानवता के कल्याण का बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने वेदों के आधार पर जो जातिवाद की बात प्रतिपादित करते थे उसको उन्होंने गलत सिद्ध किया। सती प्रथा से लेकर के औरतों का दर्जा, जो द्वयम दर्जे, उसके खिलाफ विद्रोह करके उसको बदला। लड़कियों को पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना उतना ही बड़ा अधिकार है जितना लड़कों को पढ़ना लिखना। इस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज के तंत्र को झकझोर करके रख दिया और उसका परिणाम हुआ कि आर्य समाज के आंदोलन की एक ऐसी धारा फूटी जिसने लोगों के दिमागों को झंकृत किया, आंदोलित किया, और सवाल पूछना, टू डाउट, टू डिबेट, एंड इफ नेसेसरी, वेर एवर नेसेसरी, टू डिसेंट, ये जो 3 D's को उन्होंने एक तरह से स्थापित किया धर्म के क्षेत्र में, जहां पर रीजन के लिए कोई जगह नहीं होती, तर्क के लिए जगह नहीं होती। मैं समझता हूं कि आज उनके जन्मदिन को मनाते हुए आओ हम सभी संकल्प लें, क्या नौजवान बच्चे, क्या स्कूल के बच्चे, क्या यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के छात्र छात्राएं, सब मिलकर के आओ एक संकल्प लें कि हम अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, किसानों के साथ जो हो रहा है, गरीब मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार हो रहा है, औरतों के साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इन सारे सवालों को, और हमारे माइनॉरिटीज के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इन सबको कैसे हम अपनी लड़ाई का, अपनी धर्म की उपासना का, ईश्वरोपासना का एक तरीका बनाए। अन्याय को मिटाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस विचार को प्रतिपादित करने वाले और अपने जीवन में उसकी सर्वोच्च कीमत चुकाने वाले ऐसे महर्षि का नाम, ऐसे क्रांतिकारी सन्यासी का नाम महर्षि दयानंद, और उनका जन्मदिन मनाना है तो आओ पाखंड खंडनी पताका हम भी फहराएं, और फहराएं इतनी जबरदस्त तरीके से फहराएं कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में जहां कहीं भी अंधविश्वास फैल रहा है, जैसे अभी प्रयागराज के कुंभ मेले में करोड़ों करोड़ों लोग डुबकी मार करके पाप को धो रहे हैं, कैसे धुल सकता है कोई पाप, सरकारें लगी हुई हैं, कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, दुनिया भर का ऊल जुलूल बकवास, वहां पर 7,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं और सरकारी विज्ञापन हो रहे हैं, ये सब गोरख धंधा बंद होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबको ललकारने की जरूरत है, सच बोलने की ताकत अपने अंदर पैदा करें, यही ऋषि ध्यान के जन्मदिन को मनाने का और आगे बढ़कर के पूरे समाज दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाने का तरीका होगा। धन्यवाद।